उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी के बड़े पुत्र योगेश भैया को। योगेश भैया स्वतः साधु भाव उनके अंदर है, पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में संतों के चरण में उनका अनुराग, उनका प्रेम और उनका स्नेह है, लगातार है कि किस प्रकार संतों का आशीर्वाद लिया जाए। तो ऐसे तो संत मिलेंगे नहीं, तो उन्होंने पांडे जी से निवेदन किया और पांडे जी ने महाराज जी से प्रार्थना किया कि महाराज जी कुछ ऐसे संत चरण का आशीर्वाद योगेश भैया को मिल जाए तो अति कृपा होगी। और ये तत्काल एक दिन का कार्यक्रम है, एक दिनों में मैं महाराज जी को साधुवाद दूंगा। महाराज जी ने एक ही दिन में आप सभी को सूचना किया, रात में ही व्यवस्था हुई, इसकी इसके लिए थोड़ा बहुत विलंब हुआ, व्यवस्था हुआ। तो महाराज जी को साधुवाद है, महाराज जी को धन्यवाद है, महाराज जी ने आप लोगों को बुलाया है भैया को आशीर्वाद देने के लिए। और भैया आशीर्वाद और स्नेह का कार्यक्रम है, उद्बोधन तो भक्तों के बीच में साधुजन दिया करते हैं और आप तो स्वतः भक्तों को आशीर्वाद और उद्बोधन देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं। आपको हम लोग क्या मार्गदर्शन और क्या उद्बोधन दे, इसके नाते कोट कोट साधुवाद सम्राट जी को, साधुवाद मन संचालन करने वाले को और पुनः योगेश भैया को कोट कोट अयोध्या के साधु संतों की तरफ से और बावन मंदिर महाराज जी को कोट कोट आभार, जिन्होंने ऐसा कार्यक्रम करके हम लोग को एकत्रित किया। जय श्री राम। और